हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौहान, माय यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे पास क्लासिक है गन मेटल, यूसी इंजन, पीछे की ब्रेक फेल हो गई है इसकी, और इसमें क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, कभी अगर आपके साथ होता है कभी, और क्या पार्ट डलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। चलते हैं फटाफट से, गाड़ी का पाल लेके चलता हूँ आपको, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। ये रही गाड़ी दोस्तों, ये मैंने लिटा रखी है, और इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक मार रहे हैं, ये ब्रेक बिल्कुल फ्री है इसकी, और इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है इसका, यहाँ से ये स्विच टूट गया है इसका, पीछे ब्रेक स्विच होता है ये बैक लाइट का, ये टूट गया है, इसकी वजह से इसके ब्रेक फेल हो गए हैं। खोलता हूँ इसे फटाफट से दोस्तों। दोस्तों इसे खोलने के लिए हमें 14 की चाबी की ज़रूरत होगी, 14 की चाबी हमने ले ली है। ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि हर बार हमारा ये पाइप ही कट जाए, कई बार हमारा पंप ही ख़राब होता है, कई तरीके की दिक्कत आती है। अभी जो इस गाड़ी में दिक्कत आई है दोस्तों वो स्विच की दिक्कत है। ये स्विच यहाँ से टूट गया है, यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था, यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका पुराना स्विच, ये इसका नया स्विच है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी MRP 468 रुपये, पार्ट नंबर भी देख सकते हैं दोस्तों। ये इसका नया स्विच है, इसके साथ ये दो बार चलाई हैं, फटाफट से लगाते हैं दोस्तों। स्विच हमारा लग चुका है दोस्तों, बाकी फटाफट से इसको गाड़ी को खड़ी करते हैं, इसका सॉकेट लगाता हूँ, ब्रेक ऑयल वगैरह डालते हैं इसमें, और आगे प्रेशर वगैरह बनाते हैं। गाड़ी स्टैंड पर लगा ली हमने, ईंटों पर खड़ी कर रखी है, अभी आपको दिखाता हूँ। ब्रेक ऑयल भी इसका सारा निकल चुका है, ब्रेक ऑयल डाल लेते हैं इसमें फटाफट से। ये ब्रेक ऑयल है दोस्तों, और रॉयल इनफील्ड में जब भी आप ब्रेक ऑयल यूज करें .4 ही यूज करें। रॉयल इनफील्ड बुलेट जितनी भी हमारी होती है डिस्क ब्रेक वाली आगे या पीछे वाली .4 ब्रेक ऑयल ही यूज करें। ये मैं मैले का ब्रेक ऑयल है वो यूज करता हूँ दोस्तों .4। इसको डालते हैं, दोस्तों ब्रेक ऑयल डाल दिया है, अब ब्रेक पैडल को थोड़ा सा पंप करेंगे, और पीछे से मैं इसकी एयर निकाल देता हूँ।
निकाल दिए किसी तरीके से, धीरे धीरे प्रेशर बनाना होता है उसकी। अगर आप सोचते हैं कि आराम से प्रेशर बन जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। दोस्तों एयर निकाल लिए, ब्रेक पेडल दबा रखा हमने, उस नट को टाइट कर देंगे, उसका ब्रेक पेडल जलाएंगे। इसकी एयर को प्रॉपर तरीके से हमें निकालनी जरूरी है दोस्तों। पैडल को कम से कम 4-5 बार पैडल को चला देंगे हम। तो पैडल को दबा लिया है हमने, अब उसकी एयर निकाली, इसके नट को टकर कर टाइट। अब हमारी एयर निकल चुकी है दोस्तों। दोस्तों एयर निकल चुकी है, हमारा प्रेशर बन चुका है। अब इसकी ये कैप है, इसको कैप को लगा देते हैं। यहाँ से हमारा काम खत्म हो चुका है, चलते हैं अब दूसरी तरफ आपको लेके। अब दोस्तों हमारा प्रेशर भी बन चुका है, पहले आप देख रहे थे, अभी आपको पैर से इसका टायर घुमा के दिखाता हूँ। ये ब्रेक मार रहे हैं, हमारा टायर जाम, ये छोड़ दिया, फिर मारी, फिर जाम। जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों वो अब ख़त्म हो चुकी है, और आपने देखा क्या पार्ट डाला है मैंने दोस्तों। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।